बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह और अन्य शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य रूप से दीक्षा ऐप, जो कि पूरी तरह से ई लर्निंग पर आधारित है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बात कही गई। इसी दौरान दीक्षा ऐप पर आधारित एक पुस्तक को भी जिलाधिकारी को भेंट किया गया। आपसे बेहतर माध्यम भी नहीं, इसलिए तो ये पहले बार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यहाँ बढ़ावा दी जा रही है, ताकि ये पहले भी मौजूद थे पर बहुत लोग का नहीं पता है। हम भी इसमें जो कोविड के संबंधित कितने जानकारी दीक्षा आपके जरिए से मैं सीखता हूँ, भी पढ़ता हूँ उसमें आई बार करके हम लोग का अलग है, ताकि ये भारत में एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, जो ज्ञानी है विद्वान जो भी है अपने जो चीज़ को डालने चाहता है वो अपलोड कर सकता है, और उसके बाद सीखने चाहता है वो अलग अलग मॉड्यूल है, साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में सीखना, उसको भी उस पर ऑप्शन है, और नहीं तो कहीं टेक्निकल चीज़ है। वैसे हम तो इसी का केवल आपके लेवल से सीमित मत रखिए, इसको आप इस्तेमाल करिए और आप इसी पे कितने आप इनपुट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप और कितने और बेहतर करा सकते हैं, उसको आप फीडबैक भी दे सकते हैं और भी डाल सकते हैं, और ये ओपन सोर्स से कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए तो इसको आप अच्छा माध्यम के रूप से आप जहाँ फैलवा भी देते हैं उसको, और इस प्लेटफॉर्म पे हम चाहते हैं धीरे धीरे करके जो केवल जो पढ़े लिखे लोग का बीच में नहीं है, बच्चे के बीच में भी चले जाए और इनका अभिभावक के बीच में भी, फिर टीवी है कि नहीं है कुछ भी, बट कम से कम तो एक परिवार में कोई स्मार्टफोन तो होगी, और उसी से अनेक चीज़ के लिए व्हाट्सएप इत्यादि तमाम चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसी के एक अच्छा माध्यम है ये, इसको शिक्षा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए हम कहीं से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं और वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, इसको आप भी सीख लीजिए, आप भी देख लीजिए और आपके बच्चे को भी बता दीजिएगा, और एक लेक्चर ज़रूर मैं चाहता हूँ आपका, यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो वो परमिशन मांगेगा, यहाँ हम टिक करेंगे और सारे परमिशन के बाद जब हम अपने को रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद यह हमसे एक इस तरह का कैप्चा आएगा, फिगर कैप्चा आएगा, इसमें हम बैठक के बारे में सिटी वन को जानकारी देते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हमारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एडेड स्कूल, मान्यता प्राप्त विद्यालय में दीक्षा ऐप का अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ई पाठशाला का जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचे। ये जो संक्रमण काल चल रहा है एक तरह से कोरोना का, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिससे वो पठन पाठन से दूर न हो, उनके गार्जियन में बच्चों तक यह शिक्षण सामग्री पहुंचे, इसके लिए बैठक की जा रही है। बैठक निरंतर चलती रहेगी, हर महीने में चलती रहेगी, इसके लिए